परिंदों से भी ऊंची हमारी उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। चल रहा होगा जमाने में जब हार का दौर, देखना जीत हमारी उसी दौरान होगी। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं पेपर वन और पेपर टू, यानी कि 200 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आप 200 में से कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है कि झारखंड के किस भाग से इंडो सीथियन के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाईबासा, ठीक है, चाईबासा इसका सही आंसर है। अच्छा, रांची की बात करेंगे तो रांची से कनिष्क के कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे, आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू के, सूतियापहन ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 गढ़ों में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 7 गढ़ों में विभक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री के, दिकों से अब हमारी लड़ाई होगी और खून से जमीन इस तरह से लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है। तो तीन का सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए, होल विद्रोह, कोल विद्रोह, तमाड़ विद्रोह या मुंडा उलगुलान। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंडा उलगुलान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी घाटी निगम के अधीन 1953 में सर्वप्रथम कौन सा जल विद्युत केंद्र स्थापित की गई थी। सही आंसर क्या होगा बताइए, तो फटाफट बताइए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, तिलैया। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फाइव की, माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोड्डा जिले में। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचोरा कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, सिंगा वाद्य यंत्र प्रायः कब बजाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छऊ नृत्य में और शिकार के वक्त, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। इनमें से कौन से पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चांडी पर्व में, चांडी पर्व में मुर्गी की बलि दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन, इनमें से किस जगह आज़ादी से पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग में। नेक्स्ट है, रामरेखा मेला झारखंड के किस जिले में लगता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिमडेगा में। नेक्स्ट है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैलचित्र के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लहुरा देव से, लहुरा देव से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलित करना है। सूची एक इधर प्राचीन स्थल है और इधर पुरातत्विक खोज है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं लोथल की, हम लोथल की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, ऑप्शन नंबर टू। कालीबंगा की बात करें तो यहाँ से क्या मिला है, तो ये हो जाएगा जोता हुआ हल का खेत, ठीक है, जोता हुआ खेत इसका सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा की बात करें तो यहाँ से क्या मिला है, तो ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा, हड़प्पा कालीन बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। उसके बाद हम डी की बात करें तो पक्की मिट्टी से बनी हुई हल्की आकृति या प्रकृति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन इसका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है। 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्र देवता। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उतबी था। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खातोली के युद्ध में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, नरसिंह सालियो ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन कर सालियो वंश का प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालियो शासक को गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीन लिया, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, वीर नरसिंह उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे उत्तरवर्ती, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे, ये भी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है। सही आंसर हो जाएगा खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तई, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, खम्स नहीं था, खम्स नहीं था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, खम्स नहीं था या खुम्स नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
निम्न में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो सही आंसर हो जाएगा, सभी जानते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। देखिए, एक तरफ दिया हुआ है समुद्री यात्री और दूसरे तरफ दिया हुआ है देश। ठीक है, हम बात करें तो यहाँ पे वास्को डी गामा की बात करते हैं तो पुर्तगाल हो जाएगा, कोलंबस की बात करें तो स्पेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कुक की तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा, और तस्मान की बात करें तो ये हॉलैंड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर आयरकोट। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड एटली ने, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर है? तो लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पर है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा, तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोज के साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 है, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है जिसमें एक तरफ दिया हुआ है दर्रा और दूसरे तरफ दिया हुआ है राज्य। ठीक है, तो हम 26 की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो बोमडिला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद जेपला बात करें तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुलिंग ला बात करें तो ये उत्तराखंड हो जाएगा, और सिपकिल्ला ये कहाँ हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता हुआ है, तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोंकण कहा जाता है, कोंकण इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कुलकार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो 28 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सोना खनन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ में नहीं उगता है। इसके अलावा असम में, केरल में और पश्चिम बंगाल में ये सिनकोना का वृक्ष उगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक और दो, यानी कि नर्मदा और ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लक्षद्वीप है, ऑलरेडी जानते हैं लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हैम्बर्ग जो है वो एल्वी नदी पर है, ये बिल्कुल सही है। बेलग्रेड कौन से नदी पर है? तो बेलग्रेड जो है ये बात करिएगा तो बेलग्रेड कौन से नदी पर है, डेन्यूब नदी पर, आप जानते हैं डेन्यूब नदी पर। उसके बाद लाहौर की बात करें तो ये रावी नदी पर है, रावी नदी पर। और कीव की बात करें तो कीव कौन सी नदी पर है, तो नीपर नदी पर है, ये याद रखिएगा। तो हम बेलग्रेड की बात करते हैं तो बेलग्रेड के बारे में हमने कहा डेन्यूब नदी, लाहौर के बारे में बात किया रावी नदी, और कीव के बारे में हमने बात किया कि नीपर नदी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। जो पर्वत श्रेणी शेष अन्य से भिन्न है वह है? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हो जाएगा अल्पेशियन, इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, तो निम्नलिखित में से वह कौन सा याम्योत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 75 डिग्री पूर्व। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड गुजरात में किस स्थान पर स्थित है? 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अलंग में है। ठीक है, अलंग इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण और लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास की। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताइए, तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कौन से संविधान संशोधन? तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। ठीक है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसके सिफारिश पर? तो आपको पता होगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। दो स्तरीय अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हमने बताया, और नगर पालिका से संबंधित है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दोनों हुआ था कब, 1992 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ना तो ये सही है ना तो ये सही है। राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है, ये भी गलत है, और जनवरी 1950 में अपनाया गया था, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव रखता है या भाव व्यक्त करता है? 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय अपनाई गई, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोटल 6 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? 42 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 312 में, और 315 में क्या है, 315 में क्या है बताइए, तो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक प्रावधान है? तो दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची, और 10वीं अनुसूची किससे जोड़ा गया था बताइए, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 से जोड़ा गया था दल बदल। और हम बात करते हैं कि जो 9वीं अनुसूची है वो 1951 में जोड़ा गया था, जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। पहला व्यक्ति जिसने नौकर शाही शब्द का प्रयोग किया, तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विंसेंट डी गॉर्निस का सही आंसर है। नेक्स्ट है, सुशासन सूचकांक कितने सेक्टर गवर्नेंस क्षेत्र में ध्यान रखा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 45 का सही आंसर है 10 क्षेत्रों में। सुशासन सूचकांक में कितने सेक्टर गवर्नेंस क्षेत्र को ध्यान में रखा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सुशासन दिवस की बात करें तो ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मना जाता है, सुशासन दिवस मना जाता है अटल बिहारी जी के जन्मदिन पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त मंत्रालय का एक भाग नहीं है? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंकिंग विभाग इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। तो मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है, तो 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों, यानी कि संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, साख पत्र दिया जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक आयातकर्ता के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। हाल ही में भारत में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया? तो 49 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या बड़ा परिवर्तन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता हुआ है, तो 51 का सही आंसर है, ये अखबारी कागज के लिए काफ़ी फेमस है नेपा नगर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम 52 का सही आंसर की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, गरीबी हटाओ, दूसरा है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तीसरा है हरित क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, 52 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3-2-1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, गरीबी हटाओ अब जानते हैं 71 में इंदिरा गांधी ने दिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था ऑलरेडी अब जानते हैं,
1949 में हुआ था। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुआ था? तो 66 से 67 में हुआ था। हरित क्रांति के जनक कौन है, आप कमेंट करके बताइए, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की एक्सनेबल क्लेम के बारे में क्या सत्य है। तो 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी तीनों। तो पहला क्या है कि बीमा पॉलिसी जिसके लिए बंधक अथवा अन्य किसी माध्यम से सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है किराए के बकाए का दावा, यह भी सही है। और भविष्य निधि का दावा करने का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, एस्टेट ड्यूटी से आप क्या समझते हैं। तो एस्टेट ड्यूटी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाला कर जो होता है वो क्या होता है, एस्टेट ड्यूटी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना था। तो सही आंसर हो जाएगा 55 का ऑप्शन नंबर सी 382, ठीक है। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहुलित परिवर्तन व्यतिकरण, ठीक है, परावर्तन व्यतिकरण, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बहुलित परावर्तन व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं को चुनना है, नहीं क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रण करते हैं, ये गलत है, ठीक है। बाकी ए बी और सी बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की, गूगल ने किस वेब ब्राउजर को विकसित किया था। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोम को डिज़ाइन किया था, गूगल क्रोम ऑलरेडी आप जानते हैं। गूगल की बात करें तो 1998 में ये गूगल बना था, कैलिफोर्निया इसका हेडक्वार्टर है, ऑलरेडी आप जानते हैं। इसके अलावा गूगल किसके किस कौन कौन मिलकर बनाया था, तो सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज ने, दोनों ने मिलकर गूगल की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंपाइलर जो है ये सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। तो 60 का सही आंसर जानते हैं, जिप्सम में, जिप्सम में कैल्शियम विद्यमान होता है, ठीक है, 60 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, वायु में भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि यह, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसलिए क्या किया जाता है कि हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा ज़्यादा वरीयता दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जीन है, तो जीन क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएनए का एक भाग है। और आप कमेंट करके बताइए कि डीएनए का डबल हेलिक्स का खोज किसने किया था, फटाफट से आंसर करके बता दीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, थायमिन है, तो थायमिन क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, कमेंट करके बताइए। और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड ऑलरेडी आप जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की, निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। तो 64 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट है इन जोज नाम है विश्व के प्रमुख क्लोन है, तो सही आंसर है 65 का ऑप्शन नंबर ए, ऊंट का। इन जोज क्या है, ऊंट का क्लोन है जो कि प्रथम है विश्व का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। तो इसका सही आंसर ऑलरेडी आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिक्किम, सिक्किम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कृषि के अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन सी अधिक सहायता सम्मिलित की जाती है। तो 67 के सही आंसर की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए की बात करते हैं तो कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण, तो ऐसा एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की, अल्फा अल्फा क्या है। तो अल्फा अल्फा क्या है, 68 का सही आंसर हो जाएगा, एक प्रकार की घास है अल्फा अल्फा। नेक्स्ट है एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए जाते हैं किए गए पेड़ों के कतारों के बीच के स्थान में उगाया जाता है क्या कहलाते हैं। तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एक फसल प्रणाली जिसके अंतर्गत फसलों को रोपण किए गए पेड़ों के कतारों के बीच एक स्थान में उगाया जाता है तो वो क्या कहलाती है, तो एले क्रॉपिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की,
इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धान इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सुनीत शर्मा ऑलरेडी जानते हैं, और वीके यादव ये पहले सीईओ थे, पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 की, अभी हाल ही में किस राज्य में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो 72 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, अरुणोदय योजना किस राज्य की सरकार की योजना है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार की योजना कौन सा है, अरुणोदय योजना है। नेक्स्ट है, बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? बहुत फेमस है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नाइजीरिया का। नेक्स्ट है, हाल में भारत सरकार ने सी प्लान योजना के तहत स्थान प्रस्तावित किया है, इनमें से कौन एक नहीं है? तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये गंगा रिवर फ्रंट नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर सही आंसर हो जाएगा। बताइए कि कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके फटाफट से बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77, तो फाइव आईज अलायंस में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो 77 का सही आंसर है फ्रांस शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, सुमित नागल का संबंध किस खेल से है? तो 78 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेनिस से संबंधित है सुमित नागल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, किस देश ने अभी हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति बिल पारित किया है? तो 79 का सही आंसर है अमेरिका, यूएसए ने। ठीक है, मलाला यूसुफजई ऑलरेडी जानते हैं, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर 2014 में किसके साथ दिया गया था बताइए? तो ये दिया गया था बचपन बचाओ आंदोलन, कौन चलाए थे बताइए, फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, भारत सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनेशन के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी थी? तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोविशील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कौन सा दक्षिण पूर्व एशियाई देश खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाला देश बन गया है, पहला देश बन गया है? तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की, सोमा मंडल इनमें से किस संस्था की पहली चेयरमैन बनी है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेल की चेयरपर्सन बनी है सोमा मंडल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की, मानव विकास सूचकांक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितनावां स्थान है? तो 83 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 131वां स्थान है। नेक्स्ट है, हाल ही में 4 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में 27 मार्च 2021 से चुनाव की घोषणा की गई है, इनमें से कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो क्या सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम शामिल नहीं है, बाकी तमिलनाडु है, कर्नाटक है और केरल है। अभी बताइए चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये सुशील चंद्रा है, और दो कौन कौन से, अनूप चंद्र पांडे हैं और राजीव कुमार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की, नो स्पिन किसकी रचना है? नो स्पिन किसकी रचना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेन वॉन की है, सेन वॉन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व भर में वृक्ष मित्र नाम से प्रसिद्ध है? तो सही आंसर ऑलरेडी सभी को पता है, सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है। नेक्स्ट है, एग्री हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? 87 का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। नेक्स्ट है, भारत का पहला हरित भवन कहाँ अवस्थित है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 88 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। ओजोन अणु का पहचान एवं नामकरण किस वर्ष किया गया? 89 का सही आंसर है 1840 में। और ओजोन डे कब मनाया जाता है बताइए, ओजोन डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, विश्वव्यापी महान मंदी किस वर्ष आई थी? तो 90 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1929। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5वां पंचवर्षीय योजना, कार्यकाल क्या था बताइए? तो 1974 से 79। ठीक है, याद रखिएगा, जनता पार्टी ने इसको शुरुआत किया था, जो कि
4 साल चलाने के बाद इसको समाप्त कर दिया था, जनता की सरकार आ गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की, भारत में कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा केवल मौसमी और केवल प्रछन्न, तो दोनों है, ठीक है, प्रछन्न भी है और मौसम भी है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो 93 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड में, बेलग्रेड, और बेलग्रेड किस नदी के किनारे है अभी हमने बताया था, फटाफट से कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है, इनमें से किन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नहीं मिला है, तो 94 का सही आंसर हो जाएगा राजेश खन्ना को नहीं मिला है। हाल ही में किसे मिला है, तो हाल ही में मिला है रजनीकांत को 51st यानी कि 51वां, और इससे पहले मिला था अमिताभ बच्चन को। सबसे पहले किसे मिला था कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है, यानी कि कौन सा डे मनाया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत की नहीं है, तो 96 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ननकाना नहीं है, ननकाना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 के, श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट 2011 में जनता के सामने लाई गई, ये किसे संबंधित है, तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अलग तेलंगाना राज्य की मांग। तेलंगाना कब राज्य बना था, तो आपको याद होगा 2 जून 2014 को ये अलग राज्य बन गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक सबसे पुराना है, तो 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन नंबर डी जो सबसे पुराना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, तो इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है, गलत जोड़ा को बताना है, तो गलत जोड़ा है ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल का जो मैदान होता है उसे डायमंड कहा जाता है, कोर्ट नहीं कहा जाता है, डायमंड कहा जाता है बेसबॉल का जो मैदान होता है, ठीक है। गोल्फ का कोर्स बिल्कुल सही है, कुश्ती का अखाड़ा और क्रिकेट का पिच ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ये कोर्ट नहीं बल्कि डायमंड होता है। नेक्स्ट है, गेम चेंजर किसकी रचना है, तो 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहिद अफरीदी की है, ठीक है। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन हम लोग पेपर वन का कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो जो क्वेश्चन हमने पूछा है उसका सही आंसर आपको देना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ से हम शुरुआत करते हैं पेपर टू का क्वेश्चन, ठीक है, पेपर टू का 100 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपयोग हेतु 1971 में राजा हिताब राय ने छोटा नागपुर की विस्तृत जानकारी इतिहास के रूप में किस भाषा में लिखी है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी फारसी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड के कोल विद्रोह पर ऐतिहासिक जानकारी देने वाली पुस्तक 1964 में प्रकाशित हुई किसकी है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ये जेसी झा की है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ग्रिड स्थित पारसनाथ की प्रसिद्धि किस कारण से है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, कितना है 1365 मीटर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो जैन धर्म का केंद्र है, ये भी बिल्कुल सही है, और 23वें तीर्थंकर ने यहाँ पे क्या किया था, निर्वाण प्राप्ति किया था, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और ये गिरिडीह का है पारसनाथ पहाड़ी, ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, दूसरा सबसे ऊँची कौन सी है बताइए, सरुआत की पहाड़ी है, कहाँ पर है, तो ये गढ़वा में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, गुमानी बंसलोई ब्राह्मणी तथा मोर किस परमंडल की प्रमुख नदियां हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर सी संथाल परगना की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए में से कौन पत्रिका का प्रकाशन ईसाई मिशनरियां करती थीं, तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एशियट इंडिया डेज डिस्क्राइब्ड नामक पुस्तक में बाइट टॉलमो ने छोटा नागपुर के किस जाति को मुडाला और सूत्राराई नाम बताया है, तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडा और सबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड के किस जनजाति का मूल नाम ईटी डॉल्टन ने कोंकण क्षेत्र माना है, तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उरांव जनजाति का। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जनजाति को कृषि कार्य में सर्वाधिक निपुण माना जाता है, 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंडा जनजाति को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9,
पुरातत्व विभाग ने खूंटी स्थित बेलवादा गांव में किस संप्रदाय के अवशेष पाए गए हैं? तो 9 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी, यानी कि बौद्ध संप्रदाय के। नेक्स्ट है, पालमा, बोडाम, कर्रा तथा पकबीरा नामक स्थान में जैन मंदिरों के अवशेष मिले हैं, यह किस नदी तट पर स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कसाई नदी पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस जिले से इंडो सीथियन काल के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, तीसरी से छठी शताब्दी के प्राप्त कुषाण सिक्के में किस राजा का नाम अंकित है? तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी का भी नाम अंकित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सूतियानाग का भौगोलिक राज्य क्षेत्र कितने परगना में विभाजित था? तो कितने परगना में, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 21 परगना था और 7 गढ़ था, आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो झारखंड की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू मुसलमानों का प्रभावित नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, नागवंशी मिथक कथा के आधार पर फनी मुकुट राय का जन्म कहाँ हुआ? तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूतियांबे में। ठीक है, और उन्होंने पहली राजधानी सूतियांबे बनाई थी, ये भी बिल्कुल सही है, पहला नागवंशी राजा भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल बादशाह ने चेरू राजा प्रताप राय को कितनी राशि सालाना देने के लिए तय किया था? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1,36,000 रुपये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 2015 में कथित पुलिस नक्सली मुठभेड़ बकोरिया में हुआ था, जिसमें एक नाबालिग सहित 12 लोग मारे गए थे, वह किस जिला में है? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू जिला में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल बादशाह के समय रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ बनाई गई थी? तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगजेब के समय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, किस आदिवासी क्रांतिकारी के युद्ध कला से भयभीत होकर अंग्रेज अधिकारी को भागकर रामगढ़ जाना पड़ा? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्किंसन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, दिवा कुसुम सोरेन का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह राज्य के किस जिले में हुआ था? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम इसका सही आंसर है। क्वेश्चन क्या है कि दिवा कुसुम सोरेन का अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह राज्य के किस जिले में हुआ था? तो पश्चिमी सिंहभूम सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, 30 जून 1855 को भगनाडी में अबुआ राज्य का नारा लगा था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो 21 का सही आंसर है डलहौजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और पांडे गणपत राय की गिरफ्तारी अंग्रेज सेना अधिकारी द्वारा कब की गई थी? तो कब हुई थी, सही आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, 30 मार्च 1858 को। आपको बताना है विश्वनाथ शाही और गणपत राय की फांसी कब दी गई थी, 21 अप्रैल और 16 अप्रैल में कब दी गई थी, आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, रांची जिले का सिल्ली अनगढ़ा बुंडू तमाड़ का चौड़ा और धीमी ढाल वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरवान क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, राज्य में 300 से 600 मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ी को किस नाम से पुकारा जाता है? 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न पठार कहा जाता है, निम्न पठार। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बोकारो, कोनार, जमुनिया, कतरी आदि किसकी सहायक नदियां हैं? 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दामोदर की। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मैथन डैम का निर्माण राज्य की किस नदी पर की गई है? मैथन डैम का निर्माण, तो फटाफट आंसर क्या बताइए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बराकर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, तपात पानी, सुसुम पानी और भूमका नामक गर्म जल स्रोत किस नदी पर स्थित है? तो 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोर नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, किस नदी पर सुगा काटा घाग है जो सिमडेगा जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी कोयल नदी पर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड में सर्वाधिक ठंड किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है, तो 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेतरहाट। लेकिन अगर जिला पूछ ले तो वो जिला हो जाएगा हजारीबाग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, वर्षा होता है। शहर की बात करें और सबसे अधिक बारिश कहाँ पर होती है, तो नेतरहाट। हम वर्षा की बात कर रहे हैं, ठंड की बात करें तो ये नेतरहाट बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। राज्य में मानसूनी बादल कहाँ से आती है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल की खाड़ी से। नेक्स्ट है, राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी में पोटास, फास्फेट, नाइट्रोजन की अधिकता होती है? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। राज्य में किस स्थान की मिट्टी का प्रतिशत 90% से अधिक मानी जाती है? तो 33 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का प्रतिशत सबसे अधिक मानी जाती है, लाल मिट्टी की ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। राज्य के किस जिले में जल द्वारा मृदा क्षरण सर्वाधिक है? तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुमला जिले में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड क्षेत्र के जंगलों का नाश इनमें से किसने सर्वाधिक किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी सरकार ने। अंग्रेज सरकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन सी नदी अपनी प्रारंभिक अवस्था में मोतिहारी के नाम से जानी जाती थी, पुकारी जाती थी? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट है, पांचवीं अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायतों के लिए बने अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेशा कानून। कब का है, मेरे ख्याल से 1996 का है। ठीक है, फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत समिति के प्रमुख एवं उप प्रमुख के पद पर एसटी के लिए आरक्षित होंगे या झारखंड पंचायत राज अधिनियम की किस धारा में है? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 40 के बी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की अभिलेख एवं निर्णय कार्यवाही की पूंजी में लिखने के लिए कौन सी लिपि में लिखना निर्देशित है? तो 38 का सही आंसर है देवनागरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पंचायत के प्रत्येक सदस्य लोक सेवक समझे जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1860 के धारा 21 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। वन संवर्धन एवं संरक्षण प्रावधानों के कारण झारखंड का वृक्षावरण क्षेत्र बढ़कर राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हो गया है? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा 33.21%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। किस जनजातीय समाज में लोग दोषी व्यक्ति के घर जुलूस में जाकर चूल्हा तोड़ने का परंपरा का पालन करते हैं? तो 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संथाल जनजाति में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। किसी असामाजिक पारिवारिक विवाद का निपटारा करने के पूर्व शिकायतकर्ता से मांझी मजन दाखा के रूप में कुछ रुपए लेता है, किस जनजाति में ऐसा प्रचलन है? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा पहाड़िया जनजाति में, मजन दाखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस जनजातीय समाज में देवरी धार्मिक अपराध के लिए दंड लेता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हो समाज में। नेक्स्ट है, तीन मानकी संबंधी स्वशासन व्यवस्था किस जनजाति में प्रचलित है? तो 44 का सही आंसर है हो जनजाति में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, यानी कि झारखंड के स्थापना के पश्चात राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति 2001 में लाई गई थी, उसके बाद 2012 में, ठीक है, उसके बाद फिर 2016 में, उसके बाद 2016 में लाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड में औद्योगिक गलियारा का निर्माण किया जा रहा है, तो 46 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोडरमा बारागोड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को बताना है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, झारखंड सरकार 2013 में स्थानीय नीति की घोषणा की थी, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये 2016 का समय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। वित्तीय वर्ष 2019-20 में झारखंड के किन जिलों में शीत गृह का निर्माण कराया जाएगा? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, तीनों, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, खूंटी में, लातेहार में, कोडरमा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष लागू किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2005 को। 49 का ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, सिंडाई फ्रेमवर्क किससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, 50 का सही आंसर हो जाएगा आपदा प्रबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो सही आंसर है 2004 में, 2004 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड भूकंप की संवेदनशीलता की दृष्टि से किस जोन में आता है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा जोन 2 के अंतर्गत, जोन 3 के अंतर्गत और जोन 4 के अंतर्गत। जोन 4 के अंतर्गत गोड्डा और साहिबगंज आता है, जोन 3 के अंतर्गत टोटल 15 जिले आते हैं और जोन 2 के अंतर्गत टोटल 7 जिले आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है गोड्डा और साहिबगंज उत्तरी भाग जोन 2 में आता है, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि जोन 4 में आता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं झारखंड में जोन 3 के अंतर्गत 15 जिले आते हैं, ये बिल्कुल सही है। जोन 4 के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, ये गलत है क्योंकि हमने बताया 2 जिले आते हैं। ठीक है, गोड्डा और साहिबगंज ये जोन 4 के अंतर्गत आते हैं। जोन 2 में कितने जिले आते हैं, तो टोटल इसमें 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, जय झारखंड पत्रिका का प्रकाशन नागपुरी में होता था, इसके संपादक कौन है, तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशेश्वर प्रसाद केसरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में 73 की चाह किसकी रचना है, तो 55 का सही आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार गोस्वामी की रचना है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, झारखंडी भाषा साहित्य के विकास में हितैषी कार्यालय चयभाषा का बहुत बड़ा योगदान है, इसके संचालक कौन है, तो 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धनीराम बख्शी। ठीक है, नेक्स्ट है दिए गए कौन सा राज्य इंडोर स्टेडियम है, यानी राज्य का कौन सा इंडोर स्टेडियम है आपको बताना है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव राज्य का इंडोर स्टेडियम है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, भारत के विरुद्ध किस देश ने ए स्टेडियम में रांची का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, तो 58 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लीग मैच किस शहर में होते रहे हैं, तो 59 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये रांची में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड के 2022 तक गेहूँ की पैदावार कितने टन प्रति हेक्टेयर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 टन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, राज्य का पहला समावेशी न्याय सदन कहां खोला गया है, तो 61 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ाम जरा टोली नामकुम रांची में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, जीएसटी बिल को झारखंड विधानसभा से पारित कर राज्य भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, कुछ महीनों पूर्व बलमदीना एक का सुर्खियों में रही क्यों, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पवित्र मिट्टी विवाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, नक्सली गतिविधियों में शामिल आशीष यादव पालकोट नामक स्थान पर मारा गया, वह किससे संबंधित था, तो सही आंसर है MCC से संबंधित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, खेल महाकुंभ का प्रारंभ झारखंड में कब से किया गया था, तो 65 का सही आंसर है 2016 से। नेक्स्ट है स्त्री पुरुष संबंधों के साथ साथ प्राकृतिक उपदानों का चित्रण किस झारखंडी लोक कला में होता है, तो 66 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोहबर में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, दीपक प्रकाश किस पार्टी के राज्य के राज्य अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजेपी के। ठीक है, बीजेपी के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दीपक प्रकाश को, झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो 68 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुष्का कर्माकर मुक्केबाजी, यह गलत है, बाकी सारे सही हैं, दीपिका कुमारी तीरंदाजी हैं, शुभालक्ष्मी क्रिकेटर हैं और वरुण एरोन क्रिकेटर हैं, ये बिल्कुल सही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की, पिछले जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है, तो 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 414। नेक्स्ट है सोरेन मुंडा किस क्रांतिकारी का पुत्र था जिसने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ा, तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गया मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, राज्य में कनाडा डैम
किस नदी पर बनी हुई है जो एक समय चर्चित थी? तो सही आंसर है 71 का ऑप्शन नंबर सी, मयूराक्षी नदी पर। नेक्स्ट है, खेती करने के लिए जोतकार एवं रैयत के बीच तथा सूदा रकम निर्धारित की जाती है यह क्या कहलाती है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, साइका कहलाती है, साइका। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, किसान अपनी ज़मीन को कितने समय के लिए मुकद बंधक दे सकता है? तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, आदिवासी विरासत में ज़मीन को अपने बेटों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है, परंतु बड़े बेटे को थोड़ी अधिक ज़मीन दी जाती है, यह क्या कहलाता है? तो 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डी, जेठांस कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, मुंडा परिवार में जमीन जायदाद का बंटवारा पुत्र पुत्रियों के बीच किस तरह से होता है? तो 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेटियों का हक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, CNT एक्ट के अनुसार फसल काटने के उपरांत भी जमींदार अपने मवेशियों को चारागाह उपलब्ध कराने हेतु उक्त खेत को दूसरे से किस तरह से बचाता है? तो 76 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ढांचा गाड़ कर उसे बचाने का प्रयास करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, CNT एक्ट के अनुसार झांसा या अध बटाईदारी व्यवस्था में मालिक और जोतकार के बीच फसलों का बंटवारा किस रूप में होता है? तो 77 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधा आधा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, यदि ज़मीन को खुटखट्टीदार या निज या फिर लीज, बोल दीजिए लीज है, नहीं है वह क्या कहलाती है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजहंस इसका सही आंसर हो जाएगा, ये निज ही है एक्चुअली। ठीक है, रैयत ज़मीन को खुटखट्टी या निज नहीं है, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजहंस इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है 79, क्या CNT एक्ट के अनुसार मुंडा खुटखट्टी जमीन पर लगान समय पर नहीं चुकाने से जमींदारी पर मुकदमा किया जा सकता है? बताइए, सही आंसर हो जाएगा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, उरांव समाज में हर बोरा या हड़गाड़ी वर्ष में कितने बार होता है? तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक बार, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, चाला देवी की पूजा करने का विधान किस जनजाति में है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये उरांव जनजाति में है। नेक्स्ट है, जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2001 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, झारखंड के जनगणना 2011 के समय इसको नेतृत्व किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनील कुमार वर्णवाल ने। नेक्स्ट है, सदान समुदाय दिए गए किस वर्ष में जवाब उठाने की परंपरा का पालन करता है? 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जीतिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, किस महिला साहित्यकार ने झारखंडी जनजातीय साहित्य की उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करते हुए इसे आंदोलन का रूप दिया था? 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रमणिका गुप्ता ने। नेक्स्ट है, झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? हमने डिस्कस किया था 315 के अंदर, JPSC UPSC का प्रावधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 दिए गए निम्न में से किस पुरुष हॉकी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है? तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वानुस डुगडुंग। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, प्रसिद्ध महिला हॉकी खिलाड़ी सावित्री पुर्ते किस जिले से संबंधित हैं? तो 89 का सही आंसर है खूंटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, वॉलीबॉल खेल को राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की पहचान दिलाने में इनमें से किसकी भूमिका सर्वाधिक है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शेखर बॉस का सबसे ज़्यादा भूमिका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, भद्रकाली मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इटखोरी चतरा में। नेक्स्ट है, नारायण का किला किस जिले में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लातेहार जिले में। नेक्स्ट है, वाद्य यंत्र मांदर के ललित उपयोग के लिए किस लोक कलाकार की चर्चा होती रही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनपूरन नायक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य के किस शहर में केंद्रीय खनिज अनुसंधान केंद्र स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धनबाद में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। झारखंड विधानसभा का सदस्य ना होते हुए भी इनमें से किस राजनेता ने राज्य में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबूलाल मरांडी ने। नेक्स्ट है, विशेष परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। राज्य का पहला बड़ा लाह इस्पात कारखाना किस शहर में स्थित है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, दिए गए में से कौन वृक्ष वर्णपाती वन का उदाहरण है? तो 98 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सखुआ। नेक्स्ट है, लौह उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड का स्थान किस क्रम पर आता है? तो 99 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पहला स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। 1912 में किस छात्र ने क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर राज्य के लिए अलग सोच सामने रखा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जे बार्थोलोमन ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पेपर वन और पेपर टू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है 200 क्वेश्चन, यानी कि 400 नंबर। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि आप 200 में से कितना सही किए हैं। अगर मान के चलिए आज एग्ज़ाम होता तो आप कितना सही करके आते, आप फटाफट से कमेंट करके आंसर बता दीजिए। ठीक है, फटाफट से कमेंट कीजिए, सारे लोग कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। और लाइव क्लास डेली चल रही है, 8 से 10, 2 घंटे की लाइव क्लास है, और ये बिल्कुल फ्री है। आप लोग सारे लोग ज्वाइन करिए, देखिए लाइव क्लासेस को, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ से भी मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।